हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आपका चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग। तो फ्रेंड हमारे पास आई हुई है एचएफ डिलक्स, और ये देखिए एचएफ डिलक्स है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मिसिंग कर रही है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो चलिए मैं चाबी ऑन करूँगा और स्टार्ट करूँगा। ये देखिए स्टार्टिंग भी बहुत देर में हो रहा है। ये देखिए स्टार्ट हो गई, और जैसे टोटल खींचो भी ना तो ही बंद हो जाती है। ये देखिए स्टार्ट हुई और ये देखिए बंद हो गई। फिर स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हुई और ये देखिए बंद हो गई। ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये प्रॉब्लम हम एक एक चीज़ें लगा कर चेक करेंगे। हमारे पास सारे BSX के टूल है कि गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होती तुरंत हमको पता चल जाता। तो चलिए सबसे पहले हम OBD स्कैनर लगा के देखेंगे कि इसमें हो सकता है कि कोई भी इसका जो है सेंसर प्रॉब्लम कर रहा। तो चलिए सबसे पहले हम OBD स्कैनर लगा के इसको पहले फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये देखिए OBD स्कैनर हमने कनेक्ट कर लिया है, और कनेक्ट करके इसको ओके करते हैं। और ओके करेंगे तो ये रीड करेगा, और ये देखिए स्कैन किया इसने, फिर ओके करेंगे तो फ्रेंड इसमें कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। इनमें मैं फॉल्ट चेक करता हूँ, रीड कोड पे कोई फॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी फॉल्ट इसमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन गाड़ी में जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सेम है। देखिए जैसे हम स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हुई ये बंद हो गई, ये स्टार्ट हुई ये बंद हो गई, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये स्टार्ट हुई और ये बंद हो गई, यही प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड बहुत से मैकेनिक भाई हमारे कहेंगे कि इसकी रेस बढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैंने इसकी रेस बढ़ा कर भी चेक किया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है नहीं सॉल्व हो रही है। ठीक फ्रेंड, तो चलिए हम इसे निकाल देते हैं। अब हम इसका चेक करते हैं करंट। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कोई सेंसर प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इसका हम करंट चेक करते हैं। चलिए हम सबसे पहले करंट चेक करते हैं, तो करंट उस साइड चेक करेंगे। ठीक फ्रेंड, तो चलिए करंट चेक करते हैं। तो फ्रेंड इसका करंट चेक करने के लिए ये हमारे पास टूल है, इसको BSS के करंट चेक करने के लिए बोला जाता है, और ये BSX का करंट चेक करने के लिए होता है। ये पता लगाता है कि आपका अडाप्टर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉपर। अगर आपका अडाप्टर दिक्कत दे रहा होगा तो भी ये दिक्कत देगा। ठीक फ्रेंड, तो इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए जिस तरीके से ये हमने लगा रखा है, और एक तार यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से हम लगाएंगे। देखिए जिस तरीके से लगाया, इस तरीके से हमने लगा दिया। अब हम इसमें चेक करेंगे इसके करंट। ठीक फ्रेंड, तो चलिए अब हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, करंट भी इसमें प्रॉपर आ रहा है। एक बार फिर से मैं इधर दूर लगा के आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए करंट इसमें आ रहा है, करंट आ रहा है, लेकिन जो गाड़ी की कंडीशन है वो सही नहीं हो रही है। करंट भी प्रॉपर, जो करंट है करंट प्रॉपर आ रहा है, करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ये हम कनेक्शन सारे हटा देते हैं, इसको भी हटा दिया। ठीक फ्रेंड, ये अडाप्टर हम वापसी लगा देंगे। अब हम चेक करेंगे इसका जो है पेट्रोल। फ्रेंड कभी भी गाड़ी मिसिंग करती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, तो हमको पेट्रोल चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूल पंप की जो है मोटर चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है, इंजेक्टर चेक करना ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले इसका जो प्रेशर होता है प्रेशर चेक करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं मैं प्रेशर आपको, प्रेशर इसका कैसे आ रहा है। फ्रेंड ये देखिए, ये मेरे पास गेज है, लेकिन ये गेज जो है ये यूनिवर्सल नहीं है। गेज ये होता है, यूनिवर्सल भी होता है। आप लोग मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि भाई गेज यूनिवर्सल कैसे होता है। जैसे OBD स्कैनर के लिए अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग कपलर होते हैं, वैसे ही जो होता है हमारा फ्यूल पंप को चेक करने के लिए अलग अलग ये गेज होते हैं। ठीक फ्रेंड, तो चलिए ये हम यूज़ नहीं करेंगे इस बार। अब हम नया आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं जो यूज़ करना है हमको, क्योंकि हमारे पास जो होता है अलग अलग गाड़ियाँ आती है, अलग अलग चीज़ें आती है, और मुझे अलग अलग से चीज़ों में लगा के चेक करना पड़ता है। ये जो निडल होती है, ये जो पुराने वाले गेज की जो निडल होती है, ये सिर्फ जो है हमारे हीरो होंडा बाइकों में लग सकती है, ये जो निडल होती है। और बाकी सुजुकी एक्सेस में जो होती है निडल मोटी होती है। आप अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड ये हमारे पास बॉक्स है, और इस बॉक्स में क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बॉक्स ओपन करूँगा। ये देखिए बॉक्स ओपन किया, और इसमें देखिए ये मेरे को फ्यूल मीटर मिल जाता है, ये देखिए फ्यूल मीटर गेज मिल जाता है, ये देखिए। ठीक है, और इसमें जो है ये देखिए ये मेरे पास निडल मिल जाते हैं, अलग अलग निडल मिल जाती है, ये अलग अलग निडल मेरे पास है। और इससे मैं चेक कर सकता हूँ कि गाड़ी में कहाँ से क्या प्रॉब्लम है और किस में क्या प्रॉब्लम है। और ये छोटी मोटी होती है, ये देखिए मोटी होती है, ये पतली होती है, और ये देखिए पतली होती है, ये देखिए मोटी होती है, इस तरीके से अलग अलग साइज है। ये मैं यूनिवर्सल सारी गाड़ियों में ये मैं लगा सकता हूँ। मेरे को OBD स्कैनर में केबल की ज़रूरत है, वैसे ही मेरे को ये जो गेज में है ये निडल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरी ऑल गाड़ियों के लिए होती है। ठीक फ्रेंड, तो चलिए ये वाला गेज हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास न्यू गेज है। अगर आप लोगों को ये बाय करना है तो मैं नंबर दे दूँगा, आप लोग इससे को बाय भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और इससे मैं चेक करता हूँ फ्यूल।
तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये देखिए पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसको जो है मैंने उसके में नहीं लगाया है, इंजेक्टर में नहीं कनेक्ट किया, खाली ये जो है फ्यूल पंप की टंकी में कनेक्ट किया है, ठीक है फ्रेंड। और जैसे ही मैं इसकी चाबी ऑन करता हूँ, वैसे इसका प्रेशर जो है 40-40 इतना होना चाहिए। तो जैसे ही हमने चाबी ऑन किया, ये देखिए प्रेशर उड़ के 40 आ गया, 40 पॉइंट, और ये 40-40 प्रेशर रहेगा, ठीक फ्रेंड। इससे अगर डाउन हो जाता है, 40 से अगर डाउन हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा इसका प्रेशर है बिल्कुल ख़राब है, फ्यूल पंप जो मोटर है बिल्कुल ख़राब है। प्रेशर की मोटर होती है ये, हमने चेक कर लिया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, 40 तक आ रही है, ये देखिए 40 तक आएगी। और चाबी हम फिर से ऑफ करके ऑन करेंगे, तो ये देखिए प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ के जैसे 40 से अगर नीचे आती है, तो समझ लीजिएगा फ्यूल पंप मोटर ख़राब है, ठीक फ्रेंड। तो चलिए इसे हम ऑफ कर देते हैं, हमारा फ्यूल पंप मोटर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे हम डिसकनेक्ट कर देते हैं। फिल्टर खोल के भी देखूँ, कभी कभी होता है कि फिल्टर से भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो चलिए हम फिल्टर खोल करके देखते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए इसका जो फिल्टर है किस तरीके से गंदा पड़ा हुआ है, और किस तरीके से ख़राब पड़ा हुआ है, बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल चोक पड़ा हुआ है। तो ये मैं नया फिल्टर लेकर के आया हूँ, और इसको नया फिल्टर को हम ऐड करते हैं इसमें, और फिर देखेंगे इसकी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम सही हो रही है कि नहीं सही हो रही है। तो फ्रेंड ये देखिए, इसको जो नया फिल्टर हमने ओपन किया, और ये देखिए, और ये देखिए इसकी कंडीशन देखिए, और इसकी कंडीशन देखिए, ये किस कंडीशन में है, ठीक फ्रेंड। तो चलिए ये फिल्टर हम ऐड करते हैं। फ्रेंड काफ़ी बार होता है कि हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें चेक कर लेते हैं, हर चीज़ चेक कर लेते हैं, फ्यूल पंप, फ्यूल मोटर, हर एक चीज़ चेक कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है। तो ये हमने नया फिल्टर ऐड कर दिया, इसको हमने साफ़ किया है, पहले से ही साफ़ कर रखा था, तो इसको हम फिट कर देते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये फ़िल्टर हमने चेंज कर दिया, अब हम स्टार्ट करके गाड़ी देखते हैं कि गाड़ी में जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो सही हुई है कि नहीं सही हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड हमने इसका फिल्टर विल्टर सब ऐड कर लिया है, और अब हम गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि गाड़ी में की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुई है कि नहीं सॉल्व हुई है। तो फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट हो रही है बाकायदा, पहले क्या हो रहा था गाड़ी बंद हो जा रही थी, अब एक्सीलेटर लेके देखते हैं। तो फ्रेंड पहले क्या हो रहा था कि जैसे गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे और गाड़ी की रेस भी नहीं ले रहे थे, तो अपने आप बंद हो जा रही थी, स्टार्ट कर रहे थे बंद हो जा रही थी, स्टार्ट कर रहे थे बंद हो जा रही थी। अब देखिए बाकायदा बढ़िया रेस ले रहे हैं, और अच्छे से रेस ले रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना ही कोई दबने की प्रॉब्लम आ रही, ना ही कोई दम घुटने की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड